जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी कि जेएनयू से एक बार फिर हिंसा की खबर सामने आई है रिपोर्ट्स के मुताबिक ए से जुड़े छात्रों और गार्ड्स के बीच झड़प हो गई झड़प फेलोशिप के मुद्दे को लेकर हुई ए फेलोशिप से जुड़े मुद्दे पर बात करने यूनिवर्सिटी के फेलोशिप ऑफिस पहुंचे थे इस झड़प में कुछ गार्ड्स और स्टूडेंट जख्मी भी हुए हैं एक गार्ड की हालत गंभीर भी बताई जा रही है जानकारी के मुताबिक एबीवीपी से जुड़े छात्र फेलोशिप में देरी को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे छात्र बाईस अगस्त

चुप को लेकर मांग जायज थी लेकिन कैंपस की सिक्योरिटी हमारी ड्यूटी है स्टाफ को कमरे में बंद करके बात करने का तरीका गलत था छात्रों ने अंदर से दरवाजा बंद कर रखा था ये सारे छात्र एबीवीपी के ही थे जो मीडिया को कह रहे हैं कि उन्हें मारा गया जबकि पहले छात्रों ने गार्ड्स के साथ मारपीट की और बदतमीजी भी शुरू की गार्ड्स ने छात्रों पर पहले हाथ नहीं उठाया इस झड़प के बीच हमारा एक साथी गार्ड बेहद गंभीर रूप से घायल है अब इस मामले पर एबीवीपी का पक्ष जानने के लिए हमने जे के स्कूल ऑफ लैंग्वेज के एबीवीपी प्रेसिडेंट विकास पालीवाल से बात की विकास ने बताया हमें से कई छात्रों की एमसीएम स्कॉलरशिप डेढ़ से दो साल से रुकी हुई है प्रशासन इसे लेकर लापरवाह है बाईस अगस्त की सुबह हम पंद्रह छात्र हमारी फेलोशिप के मसले पर बात करने के लिए जब फेलोशिप ऑफिस पहुंचे तो मौजूद स्टाफ ने बात नहीं की और चाय पीने जाने लगे हमने उनसे कहा कि पहले आप हमारी समस्या का समाधान करें क्योंकि यह